गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 1 जून है और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 25 मई से 31 मई तक का सारा करंट अफेयर्स। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरू करते हैं, मैं चंचल मकवाना पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ गणेशा स्टडी कंसेप्ट चैनल के प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है, इस गुण को खोइए मत। कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा मुस्कुराते रहिए। चलो शुरू करते हैं। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और जितने बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। तो इन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है ये, ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेन देनों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है तो यह है केनरा बैंक। हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है दोस्तों, यह देश है भारत। वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, 500 करोड़ रुपये की। विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है, यह है आभास झा। जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाट कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया दोस्तों, यह है तमिलनाडु राज्य। सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है, यह है AK सीकरी। हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है, यह है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है तो यह है 1000 करोड़ रुपए। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया तो यह झारखंड राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है तो यह 23 मई को मनाया गया दोस्तों। हाल ही में जिस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की, यह है अमेरिका की। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है, यह है ओडिशा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में जिसे अपना नया राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों, यह है जाम्बी फूकन। भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है दोस्तों, यह इजराइल। हाल ही में जिस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, यह है मिजोरम। वह देश जिसने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, यह देश है चीन। इथियोपिया द्वारा जिस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों तथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है, यह है नदी नील नदी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में जितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है तो यह है 8। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की जिस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के
अवार्ड से सम्मानित करेगा वो है सुमन गवनी। विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में जितने प्रतिशत की गिरावट आई है यह है 65%। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है यह है 25 मई दोस्तों। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है तो यह 17.7 करोड़ डॉलर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है यह है भारत। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है यह नरेंद्र बत्रा। हाल ही में जिस देश ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की मदद के लिए उसे $60 लाख देगा तो यह है अमेरिका। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है यह है अमेरिका। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 20 मई को। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है दोस्तों यह है जापान। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी ईरान को। जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है यह है रूस। विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे जिस दिन मनाया जाता है तो यह 28 मई को मनाया जाता है। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दी है 120 दिन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी तो यह उत्तर प्रदेश है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी तो यह राज्य है कर्नाटक। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है यह PK नायर। हाल ही में जिस देश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है यह है वियतनाम। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई ये है नाओमी ओसाका, जापान की है ये। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने पर थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है तो 500 रुपये का। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फोन डेर लाइन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है तो यह 750 अरब डॉलर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियोग बोर्ड SEBI ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर जितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है यह 7 लाख रुपये। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है तो यह राज्य है उत्तराखंड। भारतीय भारतोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है यह है मीराबाई चानू। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को भी अधिकार में ले लिया है दोस्तों यह है महाराष्ट्र की सरकार। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीकली करंट अफेयर्स की पंक्तियां ख़त्म होती हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होगी और ज़रूर होगी आप विश्वास रखिए मेरा पूरा प्रयास आप ही के लिए है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ में। इसी के साथ मैं अपने इस को समाप्त करती हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बस अपना प्यार और हम बनाए रखिएगा हमारे साथ।